मॉर्निंग, नमस्ते, प्रणाम, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, तो मैं भी अच्छी हूँ। तो एक बार फिर से स्वागत करती हूँ सरोज भारत ब्लॉग में। सभी बहनों को करवा चौथ की बहुत बहुत बधाई। तो बहनों, हो चुकी है करवा चौथ की शुरुआत और ये है सुबह की पूजा। और आज होती है 3 टाइम पूजा, एक तो अभी हो गई है, फिर 1 4 बजे होगी, फिर 1 रात को जब चाँद निकलेगा तब। तो माता करवा सब सुहागिनों पे अपनी कृपा बनाए रखना, सबके घर परिवार में खुशियाँ रखना, माता रानी अपना आशीर्वाद हमेशा ऐसे ही बनाए रखना। जय हो माँ। आज कुछ इस प्रकार है गैरसन का मौसम और बादल आ रहे हैं, बस शाम तक भी सही रहे भाई मौसम, तभी चांद के दीदार जल्दी होंगे। और ओरिजिनल वाला चांद तो यहाँ पे है। हेलो, तुमको भी करवा चौथ की बधाई। बोलो बोलो, बधाई तुम लोगों को। हमारा क्या, हम तो हमारी तो पूजा होनी है। बोलो देवता है आज, देवता देवता। ठीक है, मैं जाती हूँ दुकान, फिर मिलते हैं अभी 4 बजे पूजा में, और देखते हैं आज दुकान के कौन कौन आता है। ठीक है, बाय बाय। हाँ बाय। आइए। हेलो, तो हम लोग हो चुके हैं 4 बजे की पूजा के लिए रेडी, लेकिन हमारे कुछ लोग अभी लेट लगी, लोग पहुंचे नहीं है, जो बहुत लेट तकलीफ करनी ना है, ये हमेशा लेट आते हैं हमेशा। तो गाइस, कैसे लग रहे हैं हम लोग? कमेंट जरूर करना। हेलो 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 हेलो। तो अभी हम लोग आ गए हैं छत में पूजा करने के लिए, और कुछ लोग हमारे पहुंचे नहीं है, तो उनका कर रहे हम इंतजार। और यहाँ है फोटो शूट, और फोटोग्राफर हमारी नेहा रानी। तो अब सारी ब्यूटीज पहुंच चुकी हैं। क्या कह रही है? सुंदर लग रहे हैं, सुंदर लग रहे हैं। चलो भाई, एक बार पूजा कर लेते हैं, ठीक है? आओ। करवा चौथ माता की जय। तो चलो स्टार्ट है। प्राचीन काल में एक करवा नाम की स्त्री महान प्रतिव्रता थी, जो अपने पति के साथ नदी के किनारे एक गांव में रहती थी। एक दिन उसका पति नदी में स्नान करने को गया। देव योग से स्नान करते समय वहां पर एक मगर ने उसका पैर पकड़ लिया। तब वह मनुष्य करवा करवा करके अपनी पत्नी को चिल्ला चिल्ला कर पुकारने लगा। अपने पति की आवाज को सुनकर उसकी पतिव्रता स्त्री करवा भागी हुई चली आई, और उस पतिव्रता ने आते ही मगर को कच्चे सूत के धागे से बांध दिया। मगर वो बांध कर वह अपने पतिव्रता धर्म के बल पर यमलोक में पहुंचकर यमराज से बोली, हे भगवान, मेरे पति को मगर ने पकड़ लिया है, इस अपराध में आप अपने बल से मगर को नर्क में डाल दो। करवा की यह बात सुनकर यम बोले कि अभी मगर की आयु शेष है, अतः मैं अभी आपको नहीं मार सकता हूँ। यमराज की बात सुनकर करवा बोली, यदि आप ऐसा नहीं करोगे आपको श्राप देकर नष्ट कर दूंगी। करवा की यह बात सुनकर यमराज भयभीत हो गया। अंततः वह प्रतिव्रता के साथ जाकर उस मगर को यमलोक में पठा दिया और अपने पति को दीर्घायु होने का आशीर्वाद दिया। उसी दिन से ये करवा चौथ मनाई जाती है और व्रत रखा जाता है। ये करवा माता, जैसे तुमने अपने पति की रक्षा की, ऐसे ही सबके पतियों की रक्षा करना। करवा माता की जय। गणेश पति पिता महादेवा, जय गणेश, जय गणेश, जय गणेश देव। माता जाकी पार्वती पिता महादेवा, एक दंत दयावंत चार भुजाधारी, एक दंत दयावंत चार भुजाधारी। माथे पर तिलक सोए मूछ की सवारी, माथे पर तिलक मूछ की सवारी, हार चढ़े फूल चढ़े और चढ़े। चल, ये जैसे निकली रोज बोलना, तो देखें रोज बोलना।
पहले में डाल देंगे ना थोड़ी हेलो 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 या दो वन टू थ्री स्टार्ट पाठ कीर्तन सब हो चुका है। अब सब लोगों का होने जा रहा है फोटो सेशन। सुभाषिस चिरंजीवी भवा
दोस्तों अभी आज मैं आ रही हूँ मौसी लोगों के यहाँ पे। तो सबसे पहले तो आप सभी लोगों को करवा चौथ की बहुत बहुत बधाइयाँ। और अभी मौसी का व्लॉग मैं ही स्टार्ट करने वाली हूँ, तो क्योंकि मौसी के घर पे दोनों के दोनों मौसी और मौसी जी तो अकेले थे, तो उन्होंने कहा तुम दोनों ही आ जाओ यहाँ पे। तो जरा हम लोग व्लॉग वगैरह बनाते हैं, वीडियो शूट करते हैं, बाकी दो दोनों यहाँ पे चल रहे स्पेशल करवा चौथ पे। सर जी भर रहे हैं अभी, मतलब मौसा जी भर रहे हैं मौसी की मांग। तो यही तो है बंधन, अटूट वाला, सात जन्मों का बंधन, जन्म जन्म का बंधन। चांद आने वाला है, तो ठीक पीछे आप लोग देख सकते हो, मतलब उजाला हो चुका है, तो मुझे लग रहा है कि अभी थोड़ी देर में चांद आने वाला है। और बाकी इधर हम लोग चल, तो दोस्तों आप धीरे धीरे चांद आने लग गया है, तो अब आप आ गया भाई, धीरे धीरे चांद आ रहा है और पूरा चांद आने का इंतजार कर रहे हैं यहाँ पे। वो देखो, मतलब वैसे रियल वाला स्ट्रगल पहाड़ों में है, क्योंकि रात को 8-9 बजे, तो इस बार तो बहुत ही जल्दी आ गया है, 9 बजे चांद आ गया है देखो। और ऊपर जो ऊपर गांव दिख रहे हैं, तो लगाओ अभी उनको तो अभी फिलहाल चांद जब तक ठीक ऊपर नहीं पहुंचा, यानी कि 10 बजे तक उनके लिए चांद आएगा। तो पहाड़ों के पीछे छुपा हुआ है अभी चांद। देखो दोस्तों मंदिर में भी बिल्कुल पूरी तैयारियां हो चुकी हैं, दिन में ही हो गई थी, और अभी आराम आराम से चलिए जी यहाँ पे पूरी जोर शोर से तैयारियों के साथ होती है अभी थोड़ी देर में पूजा। फाइनली दोस्तों पूरा चांद भी आ चुका है, और बाकी मौसी की अभी तैयारी हो गई है पूजा करने की, और यहाँ पे मौसी जी के चांद तो खड़े हो रखे हैं। चंदा मामा, और ये देखो हमारे फोटोग्राफर कर्ण जी। बहुत ही ज्यादा सुंदर लग रहे हैं। बस अब जर ज्यादा तो पिलो पैनी पिलेंगे, इतना हमारा वो है। बोलो हैप्पी करवा चौथ। थैंक यू नेहा, थैंक यू गीतू, तुम लोगों ने हमको कंपनी दी, क्योंकि हम लोग थे यहाँ पे अकेले और बहुत मजा आ गया, हमने साथ में एंजॉय कर रहे हैं हम लोग अभी, है ना। हम भी देख रहे हैं अब फ्यूचर हमारी प्रिपरेशन हो रही है, पतिदेव को कैसे दौड़ाना है। आ देखो मौसी तो व्रत में बिचार, लड़कियों मतलब लड़कियां तो अपना व्रत कर नहीं कर रही है, अब उनमें आदमी बेचारे है ना। वो क्यों है बेचारे, वो भी है आजकल के जितने न्यू कपल है सारे लोग व्रत है फोटो खिंचवाने के लिए, है ना।
चलो ठीक है कोई नहीं, बहुत बाकी बहुत बढ़िया लगा ये मेमोरी वो रहेगी भाई। बाकी पूजा पाठ भी कंप्लीट हो चुकी है यहाँ पे, अब हम पे लगेगा टीका। चलो भाई टीका लगाने का कार्यक्रम भी हो रहा है। ये अपनी तरफ करो टॉर्च, तुम्हारा जरा मुंह उंदा उंदा दिखाई देगा। ऐसी रे बहुत। दोस्तों पूजा तो खत्म हो गई लेकिन कन्नू की घंटी अभी बज रही है। आपको नहीं पता ना घंटी बजाने का महत्व क्या है, बना दी हम जा रहे हैं मां। बहुत सुंदर लग रहा चांद देखो, बहुत मस्त लग रहा है, बहुत प्यारा लग रहा है। अब फाइनली अभी करवा चौथ का गिफ्ट आ चुका है, छोटा सा गिफ्ट बाकी परसों देहरादून जाना, देहरादून में हो जाएगा, बाकी देहरादून में हो जाएगा, नाराज मत होना। वो वाला गिफ्ट देने वाला दोबारा बनाओ, मुझे कोई जरूरत नहीं है, बस तुम ठीक रहो स्वस्थ रहो, वही तो सब चीज हो जाएगा, सारा गिफ्ट यही है। हाँ सही बात, सारी चीजें यही है। चलो अब काम धाम तो सब हो गया, मतलब पूजा पाठ हो चुकी है, अब मौसी की चल रही है यहाँ पे खाना बनाने की तैयारी। तो खाना सब चीज कंप्लीट करा हुआ है मौसी ने, इन्होंने बना रखे हैं। हाँ दिखाओ, लाए हैं मटर पनीर, ये देखो स्वादिष्ट से मटर पनीर भी बने हुए हैं ना, दिख रहा है बहुत टेस्टी बना हुआ है। और ये मैंने बना रखे हैं छोले, ओ गजब, मौसी ने सब चीज बना बुनू करके रेडी रखा हुआ है। ये बनी हुई है खीर, वाओ सबसे ज्यादा टेस्टी खीर बनी हुई है। तो चलो अब यहाँ पे बनेगी रोटियां, बनाऊंगी। हाँ तो दोस्तों यहीं से मैं अपने ब्लॉग को भी समाप्त करूंगी। और कैसी लगी आपको आज हमारी करवा चौथ स्पेशल की वीडियो, और गीतू नॉनी उत्तराखंडी आज इसने मेरे ब्लॉग को शूट किया है। तो आई होप आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगेगी, तो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक कमेंट और शेयर जरूर करना। फिर मिलेंगे जल्दी से अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय देव भूमि, जय उत्तराखंड, बाय बाय दोस्तों।